दोस्तों, आज मैं आपको नारियल से जुड़े कुछ उपाय बताऊंगी जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और तत्काल ही आपके घर को धन धान से भर देती हैं। सनातन धर्म में नारियल का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। घर की पूजा हो, नए घर में प्रवेश करना हो, नई गाड़ी खरीदी हो, कोई नया बिजनेस व्यापार या काम शुरू किया हो या कोई भी शुभ कार्य करना हो तो नारियल अवश्य ही फोड़ा जाता है। नारियल को बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। आपको बता दूं कि माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए एकाच्छी नारियल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसके बहुत से चमत्कारी फायदे होते हैं जो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ, और इसके प्रयोग से आप धन संबंधी कितनी भी बड़ी मुसीबत हो उससे निजात पा सकते हैं और आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। बस आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। साथ ही आप पर माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य ही लिखें। दोस्तों, यदि बिजनेस में लगातार घाटा हो रहा है तो गुरुवार के दिन एक नारियल 1.25 मीटर कपड़े में लपेटकर एक जनेऊ का जोड़ा और थोड़ी सी पीली मिठाई लेकर आसपास के किसी विष्णु मंदिर में जाकर चढ़ा दें। इससे तत्काल ही बिजनेस व्यापार में उन्नति होने लगती है। व्यापार में जो नुकसान हो रहा था वो बंद हो जाएगा। इस उपाय को करने से हर तरफ से धन का आगमन शुरू हो जाता है। दोस्तों, कई बार मेहनत बहुत करते हैं, पैसा भी कमाते हैं, लेकिन धन नहीं रुकता है, व्यर्थ के कामों में खर्च हो जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो किसी भी शुक्रवार के दिन एक जटा वाला नारियल, कमल या अपराजिता का फूल, 1.25 मीटर गुलाबी रंग का कपड़ा, 1.25 पाव दही, कोई सफ़ेद मिठाई किसी लक्ष्मी मंदिर में जाकर माता लक्ष्मी को चढ़ा दें, और हो सके तो कनक धारा स्तोत्र का एक बार पाठ करें। अगर कोई लक्ष्मी मंदिर आसपास ना हो तो घर के पूजा घर में ही माता लक्ष्मी को ये चीज़ें भेंट कर दें और बाद में ये चीज़ें किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दे दें। इस उपाय से माता लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए आपके घर में अपने अष्ट सिद्धि रूप में निवास करने लगेंगी और जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आपके व्यर्थ के खर्चे रुक जाएंगे और आपको ऐसे ऐसे माध्यमों से धन प्राप्त होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। अगर आप कोई भी काम करते हैं लेकिन उसमें सफलता नहीं मिलती है, बार बार काम अटक जाता है, कोई ना कोई विघ्न आ जाता है, तो आप एक लाल रंग का कपड़ा लें और उसमें एक एकाच्छी नारियल लपेटकर किसी बहते हुए पानी जैसे नदी नहर के किनारे जाएं और अपने परेशानी को 7 बार बोलते हुए उस एकाच्छी नारियल को पानी में बहा दें। ये नारियल जैसे जैसे पानी में बहते हुए जितनी दूर तक जाएगा, आपके काम में आने वाली रुकावटें भी खत्म हो जाएंगी और काम बनने लगेंगे। ये कर्ज उतारने का भी रामबाण उपाय है और इससे धन का आगमन भी तेज होता है। दोस्तों, यदि आप कर्ज में डूबे हुए हैं तो एक नारियल में चमेली के तेल मिले सिंदूर से स्वास्तविक का निशान बना लें और किसी मंगलवार के दिन इस नारियल को थोड़े से भुने हुए चने और गुड़ के साथ हनुमान मंदिर जाकर बजरंग बली को भेंट करें और वहीं पर बैठकर ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का सिर्फ एक बार पाठ करें। इससे तत्काल आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा और बहुत ही जल्दी कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। किसी न किसी माध्यम से धन का आगमन शुरू हो जाएगा। दोस्तों, ये थे नारियल के माध्यम से गरीबी, निर्धनता और कर्ज को दूर करने के उपाय।
आप इनमें से कोई भी उपाय करेंगे तो निश्चित ही माता लक्ष्मी की कृपा से आपको अपार धन प्राप्त होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चावल बहुत ही पूजनीय होता है, इसीलिए पूजा अनुष्ठान और यहाँ तक कि माथे पर तिलक लगाने के बाद भी चावल का उपयोग किया जाता है। चावल को अक्षत भी कहा जाता है और अक्षत का अर्थ होता है कि जिसका कभी क्षय न हो। इसीलिए चावल का उपयोग बहुत से ऐसे उपायों के लिए भी किया जाता है जिससे धन का आगमन बढ़ने लगता है और गरीबी तथा दरिद्रता दूर होती है। चावल का सीधा संबंध चंद्रमा से माना जाता है, इसलिए चावल के उपाय से कुंडली में चंद्रमा को भी मजबूत किया जा सकता है। तो आज मैं आपको चावल के कुछ ऐसे उपाय बताने जा रही हूँ जो कि आपकी धन संबंधी परेशानियों को तत्काल ही दूर कर देंगे। पैसों की तंगी से परेशान हैं तो सोमवार के दिन आधा किलो चावल ले लीजिए। ध्यान रखिए चावल खंडित बिल्कुल भी ना हो और इन चावलों से शिवलिंग का अभिषेक कीजिए और अपनी गरीबी दूर करने की प्रार्थना कीजिए। चावल का अभिषेक 3 बार में करना है और बाकी बचे चावलों में कुछ चावल अपने अन्न भंडार में और कुछ लाल रंग के कपड़े की पोटली बनाकर अपने धन स्थान में रख लें। शिव जी चावल के अभिषेक से बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और तत्काल ही आपकी धन संबंधी या किसी भी प्रकार की समस्या को दूर कर देते हैं। इस उपाय के बाद आपके घर में तेजी से धन आने लगेगा, नौकरी व्यापार में उन्नति होगी और घर में प्रेम सौहार्द का माहौल बनेगा। अगर आप ऑफिस में किसी बात से परेशान हैं या फिर आपको कामकाज के नए अवसर नहीं मिल रहे हैं तो मीठे चावल बनाकर कौओं को खिला दें। ऐसा करने से नौकरी व व्यवसाय में आपकी समस्याओं का अंत हो जाएगा और ऑफिस में प्रमोशन भी मिल जाएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मनोकामना पूर्ति के लिए शुक्रवार की रात 10 बजे के बाद घर की उत्तर दिशा में एक चौकी रख लें, फिर उस पर एक कलश रख दें। कलश पर केसर से स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसमें पानी भर दें, फिर उसमें दूर्वा चावल और 1 रुपए का सिक्का रख दें। फिर एक छोटी सी प्लेट लें और उसमें चावल भरकर कलश के ऊपर रख दें। फिर श्री यंत्र की स्थापना करें और चौमुखी दीपक जलाकर कुमकुम और चावल से पूजन करें और लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें। ऐसा करने से आर्थिक समस्याएं खत्म होती हैं और मनोकामना की पूर्ति होती है। दोस्तों, ये थे चावल के माध्यम से गरीबी और निर्धनता को दूर करने के उपाय। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। आप थैंक्स बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को भी सपोर्ट कर सकते हैं। अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, आपको उत्तर जरूर मिलेगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ईश्वर करे आपका दिन शुभ हो।